हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि भी आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं जो आपने की भाई दी, आप कहाँ से हो, क्या है, जो भी है, उनके आंसर्स देने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो आप ब्लॉग पूरा देखना और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो भाई काफी लोगों का कमेंट तो ये आ रहा है कि दी आप कहाँ से हो। तो भाई मैं हरियाणा से हूँ, नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और भाई मेरी शादी हुई है नांगल चौधरी मोहनपुर। मोहनपुर वो वाला मोहनपुर नहीं है जो आप बार बार बोलते हो कि दीदी डोर मोहनपुर, डोर मोहनपुर। नहीं, नांगल चौधरी जो मोहनपुर है उस मोहनपुर में, ठीक है। दूसरा कमेंट आ रहा है भाई कि भाई आपके कितने बच्चे हैं। मेरे सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है, एक ही बच्चा है मेरे। और हाँ, विदाउट मेकअप के इसकी शक्ल देखो। तो भाई हेटर्स है ये मेरे, कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट मेकअप ही है मेरा फेस। अभी देख लो जिसको भी देखना है, कुछ भी नहीं यूज करती मैं। डेली रूटीन में भी कुछ यूज नहीं करती, जब बाहर भी कहीं जाती हूँ तो सिर्फ लिपस्टिक के अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करती, ना फाउंडेशन ना क्रीम, सिर्फ ओनली सनस्क्रीन, ठीक है। और भाई तुम्हें लगता है कि मैं मेकअप यूज करती हूँ, तो भाई वो मेरी पर्सनल चॉइस, मैं मेकअप यूज करो या ना करो वो मेरी चॉइस है, वो आप लोगों की नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक स्पेशल कमेंट और कि हाँ दीदी आपको शर्म नहीं आती, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है। तो भाई मुझे क्या तमीज़ है, मेरे में क्या शर्म है, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं है। और मेरी फैमिली को मैं कैसे हैंडल करती हूँ, कैसे मेरी फैमिली मेरे को चाहती है, कैसे मैं उनको बोलती हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसको क्या बोलना होता है और क्या नहीं बोलना होता, ठीक है। कोई ठाल का काम करूँ, अच्छा कोई ये ब्लॉग कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, हाँ अभी ब्लॉग हो गया, सब कुछ हो गया, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है और कैमरे को फेस करना पड़ता है, पब्लिक को फेस करना पड़ता है, हर किसी के बस के बात की नहीं है ये। और जिसको ये लगता है ना कि ये कोई काम नहीं है, तो एक बार करके देख लो, फिर पता चल जाएगा कोई काम है या नहीं है। और भाई मेरी फैमिली को भी मेम्बर को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और होए तो मैं तो अच्छी बात है, जितना आपसे जला जाए जलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भाई हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हो कि दीदी नारनौल आओ, यहाँ बाला जी के आओ, तो एक बार जरूर बताना, जिस दिन मैं बजरंगबली के आऊंगी मंगलवार को खालडा वाले बाला जी के, जिसको भी मेरे से मिलना हो मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूंगी, उस दिन टाइम दे दूंगी, जिसको भी मिलना हो मिल लेना। और हाँ भाई, ये तो एक कमेंट है, ये तो महारानी है, कुछ काम नहीं करती। तो आज का ब्लॉग स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। भाई मैं कोई महारानी नहीं हूँ, और आप लोगों को लगता है मैं महारानी हूँ तो भी बहुत अच्छी बात है, चलो कम से कम मेरे को महारानी का दर्जा तो दिया गया। और काम भाई शादी हो गई, ससुराल में आ गए, कुछ वर्क करती नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो काम नहीं करूँगी तो बिठा के खिलाने वाला तो कोई ऐसा अच्छा ससुराल नहीं होगा जो बैठ जा बहू और हम तेरे को सब कुछ खिलाएंगे, ठीक है। और है हाँ, तेरा फेस अच्छा नहीं है, फिगर अच्छा है। तो भाई आप लोगों को मेरा फेस अच्छा नहीं लगता, मेरा फिगर अच्छा लगता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो जो बोलना है, मैं जैसी भी हूँ। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत ब्यूटी क्वीन हूँ या मैं सुंदर हूँ या मैं कुछ नहीं, मैं जैसी हूँ, भगवान ने जैसा बना दिया बहुत अच्छा है, ठीक है। और ना मुझे कोई इस चीज का एटीट्यूड है या कुछ भी है, आप लोगों को लगता है तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और भाई अच्छा लगता है आप मतलब पहले थोड़ा सा फर्क पड़ता था, एक टाइम ये भी आया था कि भाई जैसे गंदे गंदे घटिया से कमेंट भी बहुत लोग करते हैं, वो कमेंट मैं पढ़ भी नहीं सकती, उनको मैं रिमूव कर देती हूँ, ऐसे गंदे गंदे कमेंट भी करते हो तो
उसकी उसको एक बार सोच के तो ये भी हो गया था यार क्यों फालतू के झंझट लिए, दुनिया में नेगेटिविटी फैल रही है मेरे प्रति। एक बार तो चैनल डिलीट करने के लिए भी सोचा, लेकिन नहीं, इतनी आगे गई हूँ ना तो अब बहुत आगे जाना है और आप लोगों को इस चीज़ का जवाब भी देना है कि हाँ अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे लिए अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली को पता है मैं कैसी हूँ, तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या बोलो क्या नहीं बोलो। प्यार करते हो दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। और भाई हाँ, और भाई दीदी आप सूट, आपके सूटों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, थैंक यू। और भाई मैं सूट खरीदती हूँ गुड़गांवा से ही, मोस्टली सूट मैं गुड़गांवा से ही खरीदती हूँ और वहीं से वहीं सिलवाती हूँ मैं, मेरी मम्मी रहती है वहीं पे तो वहीं पे सिलवाती हूँ मैं, यहाँ मैं सिलवाती भी नहीं हूँ। और भाई बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, कमेंट कर रखे हैं, तो उनका मैं कोई रिप्लाई भी नहीं करूँगी और भाई ना मैं वो पढ़ सकती हूँ। अगर मैं तो बस सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको नहीं अच्छा लगता मेरे ब्लॉग देखना, नहीं अच्छा लगते मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो आप मत देखा करो मेरे कोई भी ब्लॉग या कुछ भी, लेकिन कम से कम गलत कमेंट तो मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे। और आपकी च्वाइस है कि भाई आपको गंदा बोलना है घटिया बोलना है, जो भी बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, ओके। तो भाई अब आज का ब्लॉग मैंने यही बनाया था, आप लोगों का बहुत सारों का मतलब क्वेश्चन पुट हो रहे थे कि दी कहाँ से हो कहाँ से हो कहाँ से, बहुत सारे कमेंट तो यही आ रहे थे कहाँ से हो कहाँ से हो, तो इस ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया है। इस ब्लॉग का तो मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखना मेरा डेली रूटीन क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं करती हूँ, तो भाई देख लेना आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। और हर कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, बहुत सारे कमेंट आते तो भाई हर किसी का तो नहीं कर सकती, बट कोई नहीं, कोशिश करूंगी कि जिस कमेंट का मुझे रिप्लाई करना होगा मैं करूंगी। और भाई दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ मैं एंड, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिन जो कमेंट कर रहे थे, अच्छे भी कर रहे थे नेगेटिव भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अब तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे।